अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया इस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओरल जो कैविटी है उसकी मैलिग्नेंसीज जो है वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, और सबसे पहले हमने कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स की बात की जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन हमने कहा था ये ल्यूकोप्लेकिया है, जिसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको वाइटिश से डिपॉजिट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं ओरल कैविटी के अंदर, एक वाइटिश सा प्लैक बना हुआ है, दिस इज़ ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, अगर यही जो है वो वेलवेटी रेडर इन अपेयरेंस होता तो हम उसको एरिथ्रोप्लेकिया कहते, और इफ़ नीचे एरिथ्मा की एक बेस होती एंड देन ऊपर ये राइज हो रहा होता तो ज़ाहिर फिर उसको हम स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। सो ल्यूकोप्लेकिया आपको समझ आ गई क्या होती है, वाइटिश से पैक होते हैं। तो ये प्री मैलिग्नेंट लीजन थी। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, उन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस के बाद मैलिग्नेंसी आती है। उन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में जो सबसे पहले हमने देखनी है दैट इज क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, इसमें भी डेंस वाइट टिश पैचेस होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के, लेकिन फ़र्क ये है कि इनके अंदर कैंडिडा एल्बिकेन जो है वो चला जाता है जो फर्दर इनको मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये इस तरह से। ठीक है, नंबर टू हम लोगों ने पढ़नी है सब म्यूकोजल ओरल फाइब्रोसिस। अब इसके अंदर क्या है कि कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर की वजह से कंटिन्यूसली यहाँ एपिथीलियम का डिसप्लेजिया होता रहता है, हाइपरप्लेजिया होता है, देन डिसप्लेजिया होता है, इंजरी होती है, एट्रोफी होती है, बार बार रीजेनरेशन होती है, फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग हो जाती है, स्कारिंग के बाद कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है और ओरल कैविटी की मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ये पेशेंट पूरा मुंह नहीं खोल सकते, इनको काफ़ी दर्द होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, इनमें भी मैलिग्नेंसी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड ये कंडीशन हमने पढ़नी है, इसको कहते हैं प्रोलीफरेटिव वर्निक्वस ल्यूकोप्लेकिया। ये बेसिकली बेटे ल्यूकोप्लेकिया ही है, यानी डेंस वाइट पैचेस ही हैं, प्लैक्स ही हैं, लेकिन ये बहुत एक्सोफिटिक है, रेयर कंडीशन है, और इसमें भी मैलिग्नेंसी का चांस बहुत ज़्यादा है, एक्सोफिटिक मास नज़र आ रहा है, ये हो जाता है। एंड फाइनल प्री मैलिग्नेंट लीजन जो पढ़नी है दैट इज प्लम्बर विंसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ ओरल कैविटी के अंदर कैंसर स्टार्ट हो जाता है। तो ये चार जो हैं वो चीज़ें भी आपको पढ़ानी है। नंबर वन हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस वाली बात, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस आपने डिस्कस करना है, दिस ल्यूकोप्लेकिया जो बहुत प्रोलिफरेटिव एक्सोफिटिक बना हुआ है वो, एंड देन प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, और ये वो लीजन्स हैं जो कि आगे जाके ये वो कंडीशन हैं जो आगे जाके क्या बनेंगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनेंगी ओरल कैविटी के। तो अब हमने ओरल कैविटी के ट्यूमर्स भी डिस्कस करने हैं, ज़रूरी नहीं है यही ट्यूमर बने, ट्यूमर डायरेक्टली भी राइज हो सकता है, लेकिन इफ़ ये लीजन्स प्रेजेंट है और पेशेंट आपके पास आया हुआ है तो आपने उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना है। सो बेटे प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बहुत सारी हैं जो हमने टेबल में लिखी थी पहले, लेकिन मोस्टली आपकी जो बुक में डिस्कस हुई हैं वो चार हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्रॉनिक हाइपर प्लास्टिक कैंडिडियासिस। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कैंडिडा इन्वेड करेगा लीजन को। नंबर टू क्या है हमारे पास, सब म्यूकोजल ओरल फाइब्रोसिस है, यानी ओरल का जो सब म्यूकोजा है वहाँ फाइब्रोसिस कॉन्ट्रैक्चर एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो जाएंगी। नंबर थर्ड हम देखेंगे तो प्रोलिफरेटिव वर्निक्वस ल्यूकोप्लेकिया है, वर्निक्वस ल्यूकोप्लेकिया है जिसके अंदर जो है वो एक्सोफिटिक वाइट पैचेस है। एंड फोर्थ अगर हम देखेंगे तो दैट प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में अलॉन्ग विद योर आयरन डेफिशिएंसी क्या हो रहा होगा, ओरल कैविटी के अंदर मैलिग्नेंसी जो है वो स्टार्ट हो रही होगी। सो सबसे पहले वाली जो लीजन है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। ठीक है, सो क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। सो बेटे जैसे आप लोगों को तस्वीर दिखा दी है कि क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस में डेंस वाइट पैचेस बनते हैं। ठीक है, डेंस वाइट पैचेस बनते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया आपने ऑलरेडी देखा लीजन का नाम है ना, सो ल्यूकोप्लेकिया ही होते हैं लेकिन काफ़ी डेंस होते हैं। मोस्टली अगर हम साइट इनके देखेंगे तो अराउंड द कमिश्योर ऑफ योर ओरल कैविटी, कमिश्योर ऑफ द माउथ बन रहे होते हैं, या नंबर टू हम देखेंगे तो ये ओवर द फेशियल स्किन भी बन रहे होते हैं। ठीक है, ओवर द वर्मिलियन या ओवर द फेशियल स्किन, वर्मिलियन यानी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ योर लिप एंड ओवर द फेशियल स्किन भी ये नजर आती हैं। उसके बाद कहता है कि अगर हम देखेंगे कि इन लीजन्स की करेक्टरिस्टिक अपेयरेंस या इनके करेक्टरिस्टिक देखें तो इन लीजन्स के अंदर जो कैंडिडा एल्बिकेन है वो बहुत ज्यादा इन्वेड हुआ हुआ है, और उसकी इन्वेजन की वजह से इनकी जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये मैलिग्नेंसी में जाती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में हमने देखा कि कैंडिडियल इन्फेक्शन तब भी होते हैं जब वो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, सो इम्यूनो डेफिशिएंसी भी इसको फर्दर एड ऑन या कॉन्ट्रीब्यूट करती है। नाउ द लास्ट थिंग इज ट्रीटमेंट, आपने याद रखना है या तो आप उसको
टॉपिकल एंटीफंगल दे सकते हो, यानी टॉपिकल एंटीफंगल फ्लूकोनाजोल वगैरह की क्रीम जेल्स देते हो, लेकिन अगर आपको ये देनी है तो ये आप उसको 6 वीक्स के लिए दोगे, या आप सिस्टेमिक एंटीफंगल यानी वही ओरल फॉर्म में दे दोगे और वो उसने टैबलेट्स लेनी है, अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन रही है तो फिर वो आप उसको 2 वीक्स के लिए देते हो। इफ़ आपने ये मेडिकल ट्रीटमेंट किया और इससे पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम इसकी बायोप्सी भिजवाते हैं, उसके साथ साथ हम इसकी लेज़र वेपोराइजेशन करते हैं। आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई, आप देखें कि लेज़र के थ्रू इस एरिया को जला देते हैं, इफ़ नहीं बेहतर या मैलिग्नेंट पोटेंशियल ज़्यादा है तो एक्सीजन भी कर सकते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपने याद रखना है, बाकी आपको टर्म समझ आ गई, दैट इज़ क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडियासिस, लीजन्स हैं उनके अंदर कैंडिडा आया हुआ, ठीक है जी। नंबर 2 हमारे पास क्या है, ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। अब ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही ड्रॉबैक है कि क्या हुआ हुआ होगा, अंदर बहुत सारी फाइब्रोसिस की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होते हैं जिससे मोबिलिटी रिड्यूस होती है। सो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इस प्रोग्रेसिव डिजीज़ में फाइब्रस बैंड्स बेसिकली बनते हैं बीनीथ द ओरल म्यूकोजा। सो ओरल म्यूकोजा के बीनीथ क्या बनते हैं, फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। अब जब ये फाइब्रस बैंड्स बनते हैं तो आपको पता है नॉर्मली इनके अंदर स्कारिंग होगी, स्कारिंग के बाद कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा तो माउथ ओपनिंग की जो मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी, ठीक है। सो ओरल कैविटी की जो मूवमेंट्स हैं वो लिमिट हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्टेड टंग मूवमेंट भी होगी। फिर वो कह रहे हैं कि इसकी वेरियंस जो है वो कंट्री वाइज भी है, एशिया के अंदर हम देखेंगे तो ज़्यादा है, कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर की वजह से एपिथीलियल हाइपरप्लेजिया होता है, ये हाइपरप्लेजिया डिसप्लेजिया में कन्वर्ट होता है, देन वहाँ पे एट्रोफी भी हो सकती है और रीजेनरेशन एंड स्कारिंग एंड देन साइकिल गोज ऑन, तो ये हो सकता है, ठीक है इस तरह से। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, इसका भी ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में आपने जब स्टार्टिंग में ये हाइपरप्लेजिया एंड एट्रोफी वगैरह स्टार्ट हो रहा है इसको पोज करने के लिए हम इंट्रा लीजनल यानी लीजन के अंदर स्टीरॉयड्स का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सो इंट्रा लीजनल स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। नंबर 2 हम सर्जिकली इस एरिया को एक्साइज करते हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुआ हुआ है उसको रिलीज करा दिया जाता है, और नंबर 3 ये कि उस एरिया को रिकंस्ट्रक्शन कराई जाती है, ठीक है। यानी ये जो एरिया है यानी इसकी हम लोगों ने एक्सीजन की, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जिसमें कॉन्ट्रैक्चर हुआ हुआ है वो फाइब्रोज एरिया है, आप उसको एक्साइज करो और वहाँ पर एक नया फ्लैप डाल के उसको क्या कर दो बेटे, रिकंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप एलिमिनेट करें रिस्क फैक्टर को, क्योंकि अगर आप बार बार एक्सपोज होते रहे तो बेशक आप रिकंस्ट्रक्शन कर भी लें तो दोबारा एक्सपोजर से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो रिस्क फैक्टर यानी अल्कोहल यूज़र है, टबैको यूज़र है या पान वगैरह खा रहे हैं तो इन रिस्क फैक्टर्स को भी एलिमिनेट कराना है, ठीक है। नाउ ये 2 कंडीशंस हैं जो आपने तस्वीरों के साथ देख ली, एक में फाइब्रोसिस होती है तो इंट्रा लीजनल स्टेरॉयड देने हैं, और दूसरे के अंदर हमने कहा कि क्या हुआ हुआ है, कैंडिडल इन्फेक्शन है जो कि फंगस है और तो इम्यूनो डेफिशिएंसी के तहत एसोसिएटेड होता है तो उसमें एंटी फंगल देनी है, ठीक है। नाउ 3rd प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर हमारे पास आता है प्रोलिफरेटिव वर्नुअस ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, वर्नुअस ल्यूकोप्लेकिया। अब इसके अंदर हमने कहा कि ये भी ल्यूकोप्लेकिया ही है, एक रेयर डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तस्वीर आपने देखी, लेकिन इसमें ल्यूकोप्लेकिया काफ़ी एक्सोफिटिक होता है, ल्यूकोप्लेकिया इतना ज़्यादा होता है कि वो यूँ ऐसे करके एक मास की फॉर्म अच्छा सा बना होता है, ठीक है। सो ये मल्टीफोकल काफ़ी ज़्यादा जगहों पर होता है और इसमें मैलिग्नेंसी का जो पोटेंशियल है वो मोर देन 50% है। सो और साइट इसकी ये है कि समटाइम हो सकता है ये लोकल हुआ हो, समटाइम गैंगिवल के पास होता है, लेकिन समटाइम जो है वो पूरी कैविटी में भी हो सकता है। सो इसकी भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो होती है। नाउ द लास्ट थिंग इज जिसको हम लोग कहते हैं प्लमर विल्सन सिंड्रोम, ठीक है। सो ये प्लमर विल्सन सिंड्रोम या प्लमर विल्सन एंड इसको कहा जाता है, प्लमर विल्सन एंड पैटरसन कैली सिंड्रोम, ठीक है। सो पैटरसन कैली सिंड्रोम, अब इसके अंदर वो कहता है आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 हमारे पास होता है सिडरोपीनिया, यानी सिडरोपीनिया का मतलब होता है आयरन डेफिशिएंसी। सो आयरन तो कम होता है लेकिन इन लोगों को अनीमिया नहीं होता, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है इन द एब्सेंस ऑफ अनीमिया, और ये आयरन डेफिशिएंसी के साथ इनकी डेवलपमेंट ऑफ द ओरल कैंसर जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ओरल लीजन एंड कैंसर हो सकता है इस सिंड्रोम में। सो इफ पेशेंट आ रहा है और उसकी आपने CBC देखी और आयरन डेफिशिएंसी है तो हमने फौरन जो है वो उसको आयरन सप्लीमेंट्स देनी है। तो ये वो 3-4 कंडीशंस हैं जो कि मैलिग्नेंट पोटेंशियल रखती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होंगी, ठीक है बेटे। सो आसान सी थी जिसमें हमने क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक
कैंडियाडा देखा, उसके बाद हमने कहा कि नंबर टू हमारे पास क्या हो सकती हैं, ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस है, नंबर थ्री ये प्रोलीफरेटिव वर्नस ल्यूकोप्लेकिया, नंबर फोर हमने प्लमर विंसन सिंड्रोम की बात कर ली। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज योर ओरल मैलिग्नेंसी। सो ओरल मैलिग्नेंसी को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले हम ओरल मैलिग्नेंसी की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ओरल कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। नंबर टू बेटे हम लोग इसकी स्टेजिंग डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कराई है, जो स्लेवरी ग्लैंड और उनके ट्यूमर की स्टेजिंग है, सेम वही स्टेजिंग यहाँ पे भी फॉलो होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकी मेटास्टेसिस होनी है तो कहाँ होगी, किन लिम्फ नोड्स के थ्रू होगी, लिम्फैटिक मेटास्टेसिस। नंबर फोर हम क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे कि अगर ओरल मैलिग्नेंसी का पेशेंट है तो वो किस तरह से आता है। नंबर फाइव इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे, एंड नंबर सिक्स फिर हम ट्यूमर वाइज ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि लिप कैंसर है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, सीए टंग है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, फिर इसी तरह रेट्रो जो ट्राइगोन देखा हमने वहाँ पे है तो वो किस तरह ट्रीट होगा, ठीक है। सो ये अब चीज़ें जो है वो अपने जहन में रखें कि हम क्लासिफिकेशन, स्टेजिंग, उसके बाद मेटास्टेसिस, देन इसके रिस्क फैक्टर, उसके बाद कॉजेस, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड देन टर्न वाइज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।